तकनीकी दक्षता बढ़ाने हेतु गुरुवार को एनेक्सी भवन के सभागार में तकनीकी सहायकों का मंडलीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन स्टेट क्वालिटी मॉनिटर सत्यनारायण की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंडलीय प्राविधिक प्रेक्षक नीरज कुमार सिंह ने तकनीकी सहायकों को संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा के तहत गाँव में 18 साल के ऊपर व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए लोगों को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि देश की गरीबी दूर करने के लिए केवल एक साधन है, वह रोजगार है। उन्होंने कहा कि गरीबी दूर करने के लिए भारत सरकार की 2 योजनाएं चल रही हैं, जो कि मनरेगा व NRALM है। उन्होंने कहा कि रोजगार से ही अच्छी शिक्षा व अच्छा भोजन लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2030 तक मनरेगा के तहत गांव में सबसे ज्यादा रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, जिससे हम सभी लोगों को मिलजुल कर करना है, जिससे लोग आत्मनिर्भर बन सके और देश का अच्छा विकास हो सके। पहले COVID-19 को देखते हुए कृपया आप लोग बैठ जाइए, अगर कहीं जगह है तो पहले चेयर की व्यवस्था हो रही है, तब तक आप लोग ध्यान दें। इस शिक्षण में हमारे इस शिक्षण के अध्यक्षता कर रहे हैं संयुक्त विकास आयुक्त गोरखपुर मंडल, सभी का आज इस प्रशिक्षण सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, जो आप लोग का बहुत दिनों से आप काम कर रहे हैं, जैसा कि आप सबको मालूम है कि योजना 2005 में संसद भवन संसद से प्राप्त होने के बाद 2006 में आंध्र प्रदेश के 2 जनपदों में हुआ, 2007 में 200 जिलों में हुआ और 2008 में पूरे देश में संचालित है। योजना का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, मुख्य उद्देश्य यही था कि रोजगार देना है। जो गांव में व्यक्ति निवास कर रहा है, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, और उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, अगर वो काम करने का इच्छुक है, क्योंकि ये इच्छा तो है, जबरदस्ती किसी काम नहीं दिया जाए ना, अगर वो काम करने का इच्छुक है तो उसको काम देने का इसमें गारंटी दी गई है कि 100 दिन का कम से कम उसको रोजगार मिलेगा। रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोजगार है तभी गरीबी दूर हो सकती है। और इस समय उन्होंने 2015 में एक बैठक हुई थी 23 से 27 सितंबर में, एक SDG शब्द आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसकी चर्चा हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत करते हैं और हर स्तर पर उसकी चर्चा हो रही है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसका जिसमें 17 गोल्स हैं, जिसको हमको 2030 तक प्राप्त करना है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पहला ही गोल्स है कि गरीबी दूर करना। तो सभी का प्रयास यह है कि जब अगर गरीबी दूर होगी तभी सभी समस्याओं का निराकरण होगा, गरीबी दूर होगी तो भुखमरी हटेगा, क्योंकि दूसरा गोल है। सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, सबको स्वच्छ पानी मिलेगा। 17 गोल्स इसमें है, उसको 2030 तक प्राप्त करना है। तो सबसे उसमें इम्पोर्टेंट है कि कैसे रोजगार मिलेगा। तो आज के जमाने में वर्तमान परिवेश में दो ऐसे योजनाएं भारत सरकार की संचालित है जिससे कि गरीबी दूर हो सकती है। पहला है, सबसे महत्वपूर्ण है मनरेगा, और दूसरा है NRALM, जैसा कि आप भी जानते हैं। और मनरेगा में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी इसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं, अब सभी का महत्वपूर्ण है गोल है कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को जो गांव में है उनको रोजगार दिया जाए। रोजगार तभी मिलेगा जब काम होगा, और काम खोजने में सबसे महत्वपूर्ण है आपका भी रोल है। मनरेगा सफल है यदि आप सही हैं, मनरेगा असफल है यदि आप असफल हैं, क्योंकि कोई भी भुगतान बिना आपके कलम के माध्यम छुए बिना नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी काम होगा उसका एस्टिमेट आपको बनाना है और उसकी MB आपको करनी है। तो ऐसा है कि आप गांव में जाते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र आपने बनाया,
यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आंगनबाड़ी केंद्र तक जाने के लिए रास्ता है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको उनको ग्राम पंचायत को बताना है कि रास्ता भी बनना चाहिए, यहाँ खंजा बनना है, खंजा बनना है कि आरसीसी होनी है। जो भी धनराशि आप उसमें इस्टीमेट में सम्मिलित करेंगे वो पैसे की कमी नहीं है, मनरेगा में पैसे की कमी नहीं है, काम की कमी भी नहीं है। कि आप चाहे आपको जो बुकलेट मिली है समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुकलेट है, इसमें 260 कामों का जिक्र किया गया है। तो ये आपको ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से बुकलेट बन गई है, लखनऊ से बड़े बड़े लोग इंजीनियर इसमें लगे हैं तब ये बुकलेट तैयार हुई है। आपसे मैं बस यही अनुरोध करता हूँ कि इस बुकलेट को आप अध्ययन करिएगा और इसका सदुपयोग करिए। आज आप लोग थोड़ा प्रशिक्षण में यहाँ विलम्ब हुआ, आपने देखा होगा यहाँ थोड़ा अफरा तफरी थी, एक घंटा के लिए यहाँ दूसरी बैठक के लिए डीएम साहब ने अनुरोध किया तो उनको दे दिया गया था, तो एक घंटा बजाय थोड़ा एक घंटा और ले दिए हैं। ठीक है, हम लोग प्रशिक्षण चलेगा थोड़ा देर तक चलेगा। और आप लोगों का इसमें हम ये देख रहे हैं, सबसे पहली बात यह है कि इसमें बहुत अधिकांश लोग मास्क नहीं लगाए हैं, तो क्या आपके पास मास्क है नहीं? अगर है तो लगाइए। आप लोग गाँव देहात में रहते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा भर जगह जाइए मुँह खोल के जाइए। अगर मास्क नहीं है तो हम अनुरोध करेंगे अपनी व्यवस्था वालों से कि मास्क वहाँ से ला के दे दें। मास्क लगाना जरूरी है, आप यहाँ हैं, आप गांव में नहीं लगाते हैं लेकिन यहाँ लगाना जरूरी है। जब आप देखिए, जब आप कमरे में अकेले बैठे हो तब जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप भीड़ के बीच बैठे हो तो तब जरूरी है। इसलिए है कि मनरेगा बहुत दिन से चल रही थी, प्रिंसिपल साहब भी बता रहे थे, तो उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम काम करते हैं लेकिन काम करने में कुछ न कुछ कमियां हमारी रह जाती हैं, चाहे हमारे अज्ञान बस, चाहे हमारे जल्दबाजी में या किसी कारण से। तो मुख्यालय से एक मतलब निर्देश हुआ कि तकनीकी सहायक लोग क्योंकि इसके मनरेगा की धुरी हैं एक तरह से, क्योंकि हर काम का इसमें एमडी होता है। अभी तक जो ग्राम पंचायतों में काम होते थे आज के 4 साल पहले उसमें एमडी जरूरी नहीं थी, लेकिन जब से मनरेगा आ गई तब से हर काम की एमडी जरूरी हो गई, उसका एस्टिमेट बनने लगा, नहीं तो एक लाइन का एस्टिमेट ऐसे बना के लोग रख देते थे। तो अभी तक तो आप लोग ज़्यादा काम कच्चा काम करते थे, चकोर का काम और ये काम नोटबंदी का काम, लेकिन अब आज की तारीख में आप तमाम चीज़ें कर रहे हैं, व्यक्तिगत लाभार्थियों में ज़्यादातर काम पक्के ही हो गए हैं। तो इसके लिए आवश्यकता ये महसूस की गई, जब हमारे अधिकारी जब फील्ड में जाते हैं शासन से या विभाग से तो उनको तमाम कमियाँ दिखती हैं आपके लेवल का, मतलब आप लोग जो है ये नहीं करते हो, प्रोविजन ये नहीं करते हो। तो उसी चीज़ों की पूर्ति के लिए आज ये निर्णय, मतलब ये निर्णय हुआ पूरे प्रदेश में हो रहा है कि जितने हमारे तकनीकी सहायकगण हैं सबको एक बार पूरा प्रशिक्षण दे दिया जाए और उनको एक ऐसी सामग्री उपलब्ध करा दी जाए जिससे कि वो सहयोग ले सकें। तो आप देखेंगे आपके मतलब उसमें पॉकेट में एक किताब है वो पीले रंग की, ये हमारे प्रदेश स्तर से बहुत ही मेहनत करके बनाई गई है। अगर उतना आप पढ़ लेंगे उसका थोड़ा सहारा समय समय पर दे लेंगे तो फिर आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी।